भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने शनिवार को अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। स्टार क्रिकेटर ने 28 दिसंबर को YSRCP पार्टी का हाथ थामकर पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। अब 6 जनवरी को 10 दिन के अंदर की क्रिकेटर ने अपने फैसले को बदल दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर रायडू ने खुद इस बात की जानकारी शेयर की है। रायडू ने एक्स पर अपना पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ये सभी को इन्फॉर्म करने के लिए है कि मैंने YSRCP पार्टी छोड़ो का फैसला किया है और अभी कुछ और दिनों के लिए मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। आगे की एक्शन की जानकारी जल्द ही सभी के साथ शेयर की जाएगी। ये तो राजनीति की बात हो गई, अक्सर क्रिकेट की दुनिया में भी रायडू को इसी तरह पहले रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए और फिर उसे वापस लेते हुए देखा गया। अंबाती रायडू अपने फैसलों पर श्योर नहीं होने के लिए जाने जाते हैं। IPL 2022 के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को वापस लिया और वे IPL 2023 में नजर आए। वहीं टीम इंडिया के लिए भी पहले वे रिटायरमेंट ले चुके थे। फिर 2019 वर्ल्ड कप के दौरान जब तत्कालीन सिलेक्ट MSK प्रसाद ने उन्हें नहीं चुना और बार बार उनको नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अंबाती रायडू के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर वे बुरी तरह ट्रोल होने लगे। उनको लेकर किसी ने हिट विकेट होने का मीम शेयर किया तो कईयों ने उनके इस फैसले पर मजेदार मीम से शेयर करना शुरू कर दिए। कई लोगों ने रायडू के पोस्ट पर ही उनके कांग्रेस में शामिल होने जैसे कमेंट किए। कुछ विरोधी पार्टी के समर्थकों ने YSRCP को करप्ट बताया और कहा कि रायडू 10 दिन में ही यह समझ गए।